आप सभी का स्वागत है द टेरेस किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैंगन की एक बहुत अच्छी ट्रेंडिंग रेसिपी और साथ में सारी की सारी टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। काफी बढ़िया लगती है, आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बैंगन तैयार करने से पहले आप एक बड़े बोल में पानी ले लें। यहाँ पर मैंने हरे वाले बैंगन लिए हैं जो बड़े साइज के आते हैं, ये ज्यादा टेस्टी होते हैं। पर आप चाहें तो जो पर्पल वाले बैंगन होते हैं, बड़े वाले मार्केट में अवेलेबल होते हैं इजीली, वो भी यूज कर सकते हैं। पर दोनों में अगर आपको चॉइस मिले तो ये वाला ट्राई करके देखें। तो सबसे पहले हमें बैंगन को छीलना है। एक अच्छा तेज शार्प आप पीलर यूज करें। अब बैंगन को कुछ इस तरह से कट करें, तो बीच से आप इसे दो हिस्से में कट करें, इस तरह से कि जो बैंगन की डंडी है उसे भी आप बराबर दो हिस्सों में कट कर पाएं। अब इसी तरह से आप दूसरे बैंगन या फिर जितनी भी आप बैंगन यूज कर रहे हैं उन्हें कट कर लें। आधे किए हुए इन बैंगनों में अब हमें चीरा लगाना है, इस तरह से कि अलग अलग इसकी स्लाइसेस निकल जाएं, लेकिन ऊपर से ये इकट्ठा आपस में जुड़े हुए हैं। कट करने के बाद बैंगन को पानी में रख दे ताकि ये काला ना पड़े। बस इसी तरह से आप बाकी के बैंगन भी तैयार कर लें। अगर बैंगन की स्लाइसेस पूरी तरह से कटी नहीं है तो हल्के हाथ से आप इन्हें सेपरेट कर लें। ये बैंगन तैयार हो गए हैं, चलिए अब इसके बैटर की तैयारी करते हैं। तो एक बड़ी सी परात या फिर बोल में डालें 1/4 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लावर जिसे हम कहते हैं, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला रेडीमेड वाला है, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और टेस्ट के हिसाब से नमक। इन सारी चीजों को मिक्स करें और फिर पानी डालकर एक बैटर बना लें। अब किचन किंग मसाला अगर आपके पास नहीं है, आप गरम मसाला यूज कर सकते हैं, चिकन मसाला जो कि वेजिटेरियन होता है उसकी पाउडर आप यूज कर सकते हैं, मतलब मसाला यूज कर सकते हैं, कोई भी अपना मनपसंद मसाला यहाँ पर आप सीजनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एक समय पर थोड़ा पानी डालें ताकि जो बैटर है गलती से ज्यादा पतला ना हो जाए। बैटर इतना गाढ़ा हो कि बैंगन को कोट कर सके। अब एक बड़ी सी प्लेट या परात ले और इसमें डाले कॉर्नफ्लेक्स का चूरा या फिर आप ब्रेड क्रम्स यूज कर सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो इन्हें आप मिक्सर में डालें और इनका चूरा बना लें इस तरह से। ये वही कॉर्नफ्लेक्स है जो ब्रेकफास्ट में दूध के साथ खाए जाते हैं। अब एक कॉटन का कपड़ा ले और बैंगन के पीसेस को उस पर रख दे, इस तरह से कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है बैंगन का वो कपड़ा सोख ले। कट करने के बाद बैंगन को आप इस तरह से सेपरेट कर लें और बाकी के बैंगन भी सेम तरह से ड्राई कर लें। अब हम इसपे नींबू का रस डालेंगे, तो आधा छोटा या फिर आप एक पूरा नींबू डाल सकते हैं, इससे एक अच्छा फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा, साथ में बैंगन काले भी नहीं पड़ेंगे। तो नींबू का रस और थोड़ा सा आप चुटकी से नमक डाल लें। बैटर में तो नमक है ही, पर अंदर का जो बैंगन है वो बेस्वाद नहीं लगना चाहिए, इसलिए नमक और नींबू से अच्छे से इसे रब कर लें। तो बस हमारे ये बैंगन रेडी है। अगला स्टेप है इन्हें बैटर में कोट करना और कॉर्नफ्लेक्स से या फिर ब्रेड क्रम से कोट करना। तो सबसे पहले आप अपने बैटर में इसे कोट कर ले। यही कारण है कि यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा बर्तन लिया है कि एक ही बार में जो बैंगन है पूरा का पूरा उसमें आ जाए। तो यहाँ पर आप बड़ी थाली परात ले सकते हैं। एक फोक या फिर चम्मच की मदद से आप पूरी तरह से बैंगन के अंदर तक बैटर लगा ले और फिर इसे कॉर्नफ्लेक्स या फिर ब्रेड क्रम्स की प्लेट पर रखें। बीच में जो गैप है उसे बनाने के लिए एक चम्मच या फोक यूज करें और फिर अपने हाथ से वहां पर ब्रेड क्रम्स डाल दें या फिर कॉर्नफ्लेक्स। बैंगन की स्लाइसेस को सेपरेट करने के लिए अगर आप फोक या चम्मच यूज करेंगे तो आपके हाथ भी ज्यादा खराब नहीं होंगे, और हाथ में अगर बैटर ज्यादा चिपक जाएगा तो कॉर्नफ्लेक्स या ब्रेड क्रम्स भी चिपकने लगेंगे, इसलिए एक चम्मच या फोक जरूर यूज करें। Thank you.
कोटिंग अच्छे से हो जाने के बाद एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लेक्स को आप झटक दें और फिर इसे एक प्लेट में रख दें। इसी तरह से आप बाकी के बैंगन भी कोट कर लें। काफ़ी लोग बैंगन पसंद नहीं करते हैं, पर मैं उनमें से हूँ जिन्हें बैंगन पसंद है। मुझे बैंगन की सब्जी, भरता, पकौड़े, मतलब किसी भी प्रकार से मुझे बैंगन पसंद है। आपकी फेवरेट बैंगन रेसिपी कौन सी है? वैसे अगर आप पसंद नहीं करते हैं बैंगन, तब भी आपको ये वाली रेसिपी पक्का पसंद आएगी। बैंगन फ्राई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा अगारो का नॉनस्टिक पैन। ये PFOA फ्री कोटिंग से बना हुआ है। और तलने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिसानो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। ये एक्स्ट्रा लाइट वर्जन है, तो आप इसे आराम से डीप फ्राइंग, फ्राइंग एंड सब्जियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तेल को आराम से आप इंडियन रेसिपीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मीडियम टू हाई या हाई फ्लेम पर आप इसे डीप फ्राई करें इस तरह से फैलाकर। ये आपस में चिपकने लगे तो आप एक चम्मच से या फोर्क से इन्हें सेपरेट कर लें। थोड़े बहुत ब्रेड क्रम्स या फिर कॉर्नफ्लेक्स तेल में उतरेंगे, पर कोई बात नहीं, ये होना ही है। अगर आप इस रेसिपी में बैंगन को डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से फैलाकर आप ऑयल बॉटल से ऑयल स्प्रे करके इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं। एयर फ्राई कर रहे हैं तो 200 डिग्री सेल्सियस पर आप इसे एयर फ्राई करें पलट पलट के 5 से 6 मिनट एक साइड पर, या फिर ज़रूरत के हिसाब से आप टाइम बढ़ा सकते हैं। स्लाइसेस पतली होंगी तो एयर फ्राइंग में कम टाइम लगेगा, ज़्यादा बड़ी होंगी तो ज़्यादा टाइम। यहाँ पर एक चिमटे से मैं पलट पलट कर इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। डीप फ्राइंग के बाद एक्स्ट्रा ऑयल झटका दे और चलनी पर रखें। इसी तरह से बाकी के बैंगन भी फ्राई कर लें। अगर आपके पास इस तरह की चलनी नहीं है तो जो भी घर में नॉर्मल चलनी है वो रखें, और उसके नीचे कोई डिश रख लें ताकि एक हाइट ऐड हो जाए, जिस वजह से जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो चलनी से निकल जाए। साथ ही आप पेपर टॉवल यानी टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने हैं। एक चलनी या फिर जाली पर रखने की वजह से जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो नीचे इस तरह से गिर जाएगा, तो काफी हद तक तेल निकल भी जाएगा। इसे आप किसी भी प्रकार की चटनी या डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। टोमेटो केचप, मेयो, शेजवान चटनी, हरी चटनी, सबके साथ ही काफी अच्छा लगेगा। बैंगन प्रेमी या फिर जो बैंगन नहीं पसंद करते हैं वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।